subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएमआरसी ने बड़ी राहत देते हुए सभी को कट ऑफ मार्क्स बता दिए हैं जेई की पोस्ट के लिए। जेई की जितनी भी पोस्ट है, सभी पोस्ट का कट ऑफ आ चुका है। तो दोस्तों, आइए आज हम जान लेते हैं वो कट ऑफ कितना गया और किस प्रकार से वो कट ऑफ बनाया गया है। तो दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि जो पेपर फर्स्ट था वो 120 नंबर का था, उसका 66.67% लिया गया है। यानी कि 120 क्वेश्चंस का था तो उसको 66.67% जब उसका निकालेंगे तो 80 नंबर आएगा। तो उसका 80 नंबर बेसिस माना गया है पेपर फर्स्ट का। उसके बाद जो बाकी का 20 नंबर लिया गया है वो पेपर टू से लिया गया है, और पेपर टू का 33.33% लिया गया है। यानी कि 60 नंबर का था वो, तो 60 का जब 33.33% आप निकालेंगे तो फिर 20 आएगा, तो उसका 20 नंबर पूर्णांक लिया गया है, यानी कि फुल मार्क्स लिया गया है। अब इसमें से दोनों को ऐड करके तब फिर 100% बनाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपका मार्क्स मान लीजिए कि पहला फर्स्ट पेपर में जितना भी है उसका 66% निकालेंगे पहले, उसके बाद पेपर टू का 33.33% निकाल कर जितना भी नंबर आता है उनको पेपर फर्स्ट के नंबर से ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी 50 नंबर या 49 नंबर जितने पर भी कट ऑफ आपकी बनी हुई है 60-68 पर, उससे अधिक होनी चाहिए। तो आइए, अब इतना प्रोसेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब जान लेते हैं कि कट ऑफ कितना कितना गया है किस किस पोस्ट का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आर यानी 01 का, यानी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का रेगुलर की जो पोस्ट है उसके लिए। तो इसमें दोस्तों पेपर फर्स्ट का, जैसा कि आप देख रहे हैं, आउट ऑफ 80 लिखा गया है इसे, 120 का 66.67% भी आप कह सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरे में टोटल लेकर पेपर टू को भी लेकर आउट ऑफ 100 पर कट ऑफ निकाला गया है। तो पेपर फर्स्ट का जो गया है कट ऑफ, ये यूआर का गया है 62.816 नंबर, और वहीं एक्स सर्विस मैन का गया है 32.11 नंबर मार्क्स। उसके बाद टोटल अगर जोड़ लेंगे पेपर टू को भी तो 83.383 पर इनका कट ऑफ गया है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ इलेक्ट्रिकल का ही गया है। उसके बाद ओबीसी का अगर बात करें तो 59.609 और 80.15 गया है टोटल। उसके बाद एससी का गया है 53.515 और उसके बाद 72.737 गया है टोटल का। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का RNE 02 का। तो RNE 02 में दोस्तों 49.140 गया है पेपर फर्स्ट का और 68.95 गया है ओवरऑल, यानी कि दोनों पेपर का मिलाकर। दोस्तों वहीं ओबीसी का गया है 46.779 का और टोटल मिलाकर हो जाता है 66.60 का। इसी प्रकार से दोस्तों एससी का गया है 40 मार्क्स गया है पेपर फर्स्ट में और टोटल गया है 59, और 36 गया है पेपर फर्स्ट में और 55.255 गया है पेपर फर्स्ट और पेपर टू मिलाकर। आगे की पोस्ट की हम बात करें दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल की, जो RNE 04 है, उसमें पेपर फर्स्ट में गया है 50.237 और टोटल गया है 68.54। 40 ओबीसी का गया 48, उसके बाद 63 गया है पेपर टू और फर्स्ट का मिलाकर। एससी का गया है 45 और टोटल मिलाकर 60। एसटी का भी गया है 46 और टोटल मिलाकर 63। इसी प्रकार जो जूनियर इंजीनियर सिविल के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे उनका गया है 47.04 पेपर फर्स्ट का और 65.299 गया है टोटल का, ओवरऑल का। इसी प्रकार से 44 गया है पेपर फर्स्ट और फिर पेपर टू और फर्स्ट को मिलाकर गया है 62.935। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल में दोस्तों 62.094 गया पेपर फर्स्ट में और ओवरऑल गया है 96.237। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा गया है कट ऑफ मैकेनिकल का। इसी प्रकार से 60 नंबर गया है पेपर फर्स्ट में और टोटल मिलाकर 93.85 गया है ओबीसी का। एससी का भी 55.451 और 86.206 गया है। इसी प्रकार एसटी का भी 54 फर्स्ट पेपर में और ओवरऑल 85 मार्क्स गए हैं। तो दोस्तों ये थे कट ऑफ मार्क्स सभी पोस्ट के लिए डीएमआरसी ने जो आउट कर दिए हैं, और जब तक इन्होंने नहीं किया था तब तक काफ़ी सारा क्वेश्चन उठने लगे थे डीएमआरसी पर, इस वजह से उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और कट ऑफ मार्क्स सबको बताना पड़ा।
आज ये सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी और थोड़ी सी राहत की बात होगी कि उन्हें ये पता चल गया कि कट ऑफ किस प्रकार से बना है और कट ऑफ मार्क्स कितना गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।